like you. Be strong to hold the powers of the sun. सो हेलो भाई लोग, क्या आप लोग का भी हेड शॉट नहीं लगता डेजर्ट गैलेक्सी? तो भाई आप लोग सही वीडियो पर आए हो। मैं इस वीडियो में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे देखकर आप लोगों का गॉड लेवल टाइप हेड शॉट लगेगा डेजर्ट गैलेक्सी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो गाइस, डेजर्ट गैलेक्सी हेड शॉट मारने के लिए आप लोगों को पहले अपना जो फ्री फायर का सेटिंग है वो सबसे अच्छा करना पड़ेगा। कुछ छेड़छाड़ी करना पड़ेगा आपकी फ्री फायर सेटिंग में। वो क्या करना पड़ेगा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोगों को सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपका जो सेंसिटिविटी है वो सबको हाई कर लेनी है। जनरल हाई करने से आप लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा एंड हेडशॉट बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। एंड रेड डॉट भी 100 कर लो, क्योंकि रेड डॉट का 100 करने से आधा परसेंट आप लोगों का हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को पहले सही करना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी आप लोगों का अच्छा है कि नहीं है, वो पहले सही करना पड़ेगा। मैंने सेंसिटिविटी के ऊपर पहले से वीडियो बना कर रखी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो। मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा सेंसिटिविटी के बारे में। आई बात करते हैं कंट्रोल की। देखो कंट्रोल में अगर आप लोग थ्री फिंगर खेलते हो तो क्विक वेपन स्विच से आप लोग इजीली हेडशॉट मार पाओगे। अगर टू फिंगर खेलते हो तब भी आप लोग हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि मैं खुद टू फिंगर प्लेयर हूँ, मैं टू फिंगर से ही हेडशॉट मारता हूँ। तो पहले आप लोगों का, अगर आप लोग थ्री फिंगर खेलते हो तो आप लोगों का जो क्विक वेपन स्विच है उसको ऑन कर लेनी है। एंड फिर आप लोगों को कस्टम मैच्योरिटी में आ जाना है। कस्टम मैच्योरिटी में कुछ छेड़छाड़ करनी है, कुछ मतलब थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है। अगर आप लोग थ्री फिंगर प्लेयर हो तो क्विक वेपन स्विच को इधर रखो। इधर रखने से आप लोग को थ्री फिंगर में एक्स्ट्रा मतलब पावर मिलती है। अगर आप लोग टू फिंगर प्लेयर हो, मैं जानता हूँ आधा तरह टू फिंगर प्लेयर है फ्री फायर प्लेयर में, मैंने आधा से ज़्यादा 90% टू फिंगर प्लेयर है। फिर आप लोगों को कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों का फायर बटन देखना है। आप लोगों का फायर बटन का साइज आप लोगों को हैंड के हिसाब से रखना, या तो फिर आप लोग 50 रख सकते हो, मतलब 50 के आसपास रख सकते हो अपना फायर बटन साइज। अपना फायर बटन साइज आप लोग मतलब फायर बटन के सबसे मतलब मैंने फायर बटन के साइज के ऊपर वीडियो बना करके वो भी आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब 30% इससे ही फायर बटन में ही है। डेजर्ट से अगर हेडशॉट मारना चाहते हो तो 30% इससे ही फायर बटन साइज। तो पहले आप लोग अपना फायर बटन साइज सही कर लेना है। फायर बटन साइज सही करने के बाद कुछ मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखाता हूँ। कुछ क्लिप्स नहीं देखोगे तो यार कैसे समझोगे? मैं कुछ क्लिप्स देखकर आप लोगों को सिखाता हूँ। ये तो था सिंपल सा सेटिंग, मतलब फीवर का सिंपल सा सेटिंग, असली काम अभी बाकी है। तो अभी बढ़ते हैं क्लिप की तरफ। सो गाइस, क्लिप की तरफ बढ़ने से अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब मतलब आधे बंदे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चला जाते हैं ऐसे ही चला जाता है सब्सक्राइब करे बिना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। देखो गाइस, क्लिप जो मैं दिखाने वाला हूँ वो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्लिप है इंपॉर्टेंट। एंड डेजर्ट ईगल का फायदा बहुत है, मैं आप लोगों को फायदा बताता हूँ। डेजर्ट ईगल का एक शॉट ही काफ़ी है बंदे को ढेर करने के लिए, फिर दूसरे शॉट आप लोगों को जरूरत नहीं है बंदे को मारने के लिए। तो चलते हैं अभी क्लिप की तरफ। दोस्तों इस वाले क्लिप में देखो, फायर बटन को ध्यान से देखते रहो आप लोग, फायर बटन को ध्यान से देखते रहो फायर बटन क्या होता है। मैंने फायर बटन सीधा रोटेट किया, रोटेट करके हेड मारा और सीधा ही हेड शॉट लग गया। फिर इधर मैंने एक और एनिमी को मारा था। फिर से आप लोग फायर बटन को ध्यान से देखते रहना, ठीक है? आप लोग फायर बटन को ध्यान से देखो। ये देखो गाइस, मैंने इधर आया और फायर बटन को सीधा नीचे किया, ऊपर किया, मतलब देखो रोटेट किया और हेड शॉट। मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ कैसे किया। देखो गाइस, मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, फायर बटन को देखते रहो। फायर बटन सीधा मैंने रोटेट किया, नीचे से ऊपर किया और इधर हेड लग गया, पूरा लाल लाल नंबर आया। अगर ऐसे ही आप लोग फायर बटन को नीचे करके ऊपर की तरफ रोटेट करोगे तो आप लोगों का इजीली हेड शॉट लग जाएगा। मैंने फायर बटन को रोटेट का ट्रिक मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है कि परफेक्ट फायर बटन रोटेट कैसे करे, तो वो वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख कर आओ, क्योंकि 70% हिस्सा ही उस मतलब फायर बटन रोटेट करने में ही है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर अभी देख कर आओ। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक और क्लिप दिखाता हूँ। वो क्लिप आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि उसके बाद में मैं क्लिप नहीं दिखाने वाला हूँ। वो क्लिप आप लोग ध्यान से देखना, वो क्लिप अगर आप लोग देख ले तो 100% आप लोग सीख जाओगे हेडशॉट कैसे मारते हैं। दोस्तों इस वाले क्लिप को ध्यान से देखते रहना, सिर्फ फायर बटन को ही देखते रहना।
और कुछ नहीं देखना, देखो फायर बटन को मैंने नीचे करके ऊपर की तरफ ड्रैग किया, इधर एनिमी दौड़ रहा था उधर की तरफ ड्रैग किया और हेडशॉट लग गया। आप लोगों को ही ये टिप्स फॉलो करनी है और कुछ नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग अगर ये टिप्स फॉलो कर ले तो 100% आप लोगों का हेडशॉट लगेगा डेजर्ट ईगल से। मैं वार्किंग के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप लोगों का डेजर्ट ईगल से वांटेड हेडशॉट बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताना कि अच्छा है। तो गाइस आज के लिए यही तक था, तो अभी चलते गाइस, टाटा बाय बाय।